पूरा इधर उधर उछाल रहा था एंड एक दूसरे को हग कर रहा था एंड कोई कोई तो रो भी गया है। Well played. Vamos. Congrats, yeah, congrats. 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 Congrats, yeah. Very good shot. Yeah! Last catch! Yes, we win! Sergei, congrats. Congrats. Rajesh, congrats. सिर्फ कोच ऐसा कोच नहीं, एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटर, एज अ फादर सब प्लेयरों के लिए, अरुणाचल के क्रिकेटर्स के लिए है। ये तो स्टार्ट है। चार महीने पहले जब अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन जो ऑफिशियल्स मेरे को जिस जॉब के लिए लाए थे, ये अभी उसका स्टार्ट हुआ है। तीन चार महीने में प्लेयर्स ने, एसोसिएशन ने, सबने मिलकर बहुत मेहनत किया, उसका लास्ट में आपको पहला रिवॉर्ड मिला है कि अरुणाचल पहला मैच रणजी ट्रॉफी का। लॉन्ग वे टू गो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रोसेस होता है। ये बोलना गलत होगा कि मैं आया तो जितवा दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग पिछले तीन साल से मेहनत कर रहा है, एसोसिएशन एफर्ट कर रहा है। हाँ, उस एफर्ट को, उस मेहनत को और निखारने की कोशिश की है मैंने, प्लेयर्स को और मोटिवेट करने का कोशिश किया है, उनको और क्रिकेट सिखाने का कोशिश। टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट टाइम आप रणजी में जीता है। हम लोग 2018 से रणजी खेल के आया है। ऐसे नहीं है कि मैंने कमजोरी को टीम को नहीं हराया। आज देखा है तो रणजी बिहार टीम को हम हराया है। बिहार कौन सा साल से रणजी खेल रहा है, हम लोग तो 2008 से खेल रहे हैं। एज ए सेलेक्टर में, एज ए सेलेक्टर कंपेनर में प्लेयर को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर अरुणाचल, बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बोल रहा हूँ। थैंक यू प्लेयर और सेलेक्टर। मेरे मैं भी बहुत खुश हूँ। स्पेशली नाबम अबो, इसका डेब्यू मैच है। फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लिया, सेकेंड इनिंग में इसको 3 विकेट लिया। एज ए मैं सेलेक्टर अबो को बहुत खुश हूँ और टीम मेट को भी खुश हूँ। और स्पेशल कैप्टन अंडर द लीडरशिप ऑफ नीलम ओवी, इसका अंदर में फर्स्ट टाइम हम लोग जीता है। एज ए मैं सेलेक्टर बहुत खुश हूँ नीलम ओवी। मैं भी वही कहना चाहूँगा, आज हम लोग लोकल जो हम लोग लास्ट दो तीन साल से हम लोग का लोकल थोड़ा इतना परफॉर्म नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया है। स्पेशल बॉलर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा किया है। और एज ए खमसा यंग फॉर विकेट कीपर है और सीनियर प्लेयर भी है और 2008-09 से खेल के आया है, पर आज ये टूर में बहुत अच्छा खेला है। तो हम लोग एज ए सेलेक्टर हम लोग भी वही, बहुत लोग सीनियर लोग को क्रिटिसाइज करता है, अच्छा नहीं खेल रहा है। तो हम लोग एज ए सेलेक्टर सीनियर को हम लोग एक मौका, हमेशा मौका देता है, वो एक बार अच्छा परफॉर्म करेगा बोल के। तो हम लोग एज ए सेलेक्टर को वो लोग आज बरकरार रखा है, इसलिए सब सीनियर प्लेयर को और टीम मेट को थैंक यू। और अबो स्पेशल नाबम अबो बहुत अच्छा किया। इसका पहला मैच है, पहला मैच में हो 9 विकेट लेना बहुत कम बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। एज ए फर्स्ट क्लास में वो लिया है, बहुत अच्छा बड़ा बात है। थैंक यू। हमारा अरुणाचल का जो सीनियर प्लेयर लोग रणजी खेलने गया है, उन्होंने आज जीता है। ऊपर में वो फर्स्ट आफ्टर 4 साल का बाद में अरुणाचल टीम ने रणजी और भी बिहार जैसे टीम को जीता है। और स्पेशली मैं, हमारा जो लोकल प्लेयर है यहाँ का जो नाबम अबो जी, उन्होंने 2 इंडियन में 9 विकेट लिया है, तो अच्छा लगा हमको। उसका बाद कल का इंडियन तक में बिहार ने जीतने के लिए 87 रन चाहिए था, तो उनका आज में 4 विकेट बचा हुआ था। तो एक लड़का अच्छा से बैट्समैन, बैटिंग का प्रॉपर बैट्समैन था, वो खेल रहा था, उसको स्पेशल विकेट कीपर अभी हमारा अरुणाचल टीम का जो कमसा यंग फो है, उन्होंने स्टम्पिंग किया। उसका बाद में गेम जो टोटली चेंजेस हो गया, अरुणाचल का आज में हार गया। तो इसलिए बिग बिग कंग्रेचुलेशन हमारा तरफ से जो अरुणाचल टीम का है। कंग्रेचुलेट्स द टीम अरुणाचल फॉर बीइंग बीटन ऑफ द बिहार बाय 15 runs एंड फाइनल डे एट सनलाइट बिहार। आई अपील द पीपल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम अरुणाचल प्रदेश एंड चीयर अप, बिकॉज ऑफ दिस टीम अरुणाचल इज राइजिंग द क्रिकेट इन अरुणाचल प्रदेश। लेट अस
इनकरेज द क्रिकेटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज हम लोग जीत के बहुत ही खुशी है, गर्व का बात है अरुणाचल क्रिकेट में, और क्रिकेट राज हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा दिनेश मंगिया सर भी काफी हम लोग को योगदान किया है, टेक्निक में बेसिक में काफी मोटिवेट किया है, हमने बहुत अच्छा लगा है। मेरा टीम ने बहुत ही हमको सपोर्ट किया है, हम टीम का कैप्टन है, फिर भी मेरा बात को मेरा जितना जो सीनियर टीम लोग हम मेरा टीम मैनेजमेंट सब लोग हमको साथ दिया है, हमें बहुत अच्छा लगा। आज बिहार को जीत के बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था, तो हम सोचा था कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हम लोग जबरदस्त हम लोग वापसी किया था, तो फाइनल मोमेंट में हम लोग मैच को जीत लिया। This time, Arunachal Cricket Association, especially the senior team, has created history in the first-class cricket tournament in BCCI. We won the match against this Bihar. It is a big achievement for every one of us, which was led by in from this Nilam Obi as a captain, and we as a team members as a vice captain. I feel very much proud of that. The boys did very well for the state of Arunachal Pradesh. So I must thankful to the Arunachal Cricket Association and their inter selector team for having fed on every one of us, especially Nilam Obi and myself as a vice captain and all the team members. Collectively, they did well for the state. So, bahut acha laga. And for this win, I must dedicate to Lata Kolisar, who did his best to make state in this place, in a position pochaya. और आज पहुंचा के भी फर्स्ट क्लास मैचेस में हम लोग जीत का जो आज का ये दरवाजा है, जो इस ऐतिहासिक जीत को मैं तातो कोहली सर को डेडिकेट करता हूँ स्टेट के लिए। सेम वे आवर सेलेक्टर ताहा तू सर को कंडोलेंस करते हैं, उसकी आत्मा शांति हो कि उसकी जीती जी रणजी दोनों ने देख नहीं पाया, लेकिन उन दोनों ऊपर से देखे और उन लोग दोनों का आशीर्वाद हमेशा रहे अरुणाचल क्रिकेट राइजिंग के लिए। लता दो कोहली सर एंड ताहा तू सर का हमेशा आशीर्वाद बना रहे इसी दो शब्द के साथ। अरुणाचल क्रिकेट आगे भी जाके इसी प्रकार अच्छा प्रदर्शन करेगा और इस प्रकार से जो इस पर टीम स्प्रिट रहा है, इसी स्प्रिट को आगे भी मेंटेन करके अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छा करके इस देश के लिए अच्छा क्रिकेटर। Although cricket is very new, so hardly like 3 or 4 years, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खास तो है नहीं अभी तक, क्योंकि अभी बहुत नया है, जस्ट इन्फेंट स्टेज में है। पर जो टैलेंट हमारे स्टेट में है, जो दिखने को मिलता है, जैसे कि मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के आया हूँ, जो थैंकफुली अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं पिछले साल का मे बी मैन ऑफ द सीरीज रहा था दादा कोहली टूर्नामेंट का, तो उसके वजह से मैं अपने आप को स्टेट लेवल पे प्रूव करके मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ का जो लोग है, अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है और हार्ड वर्किंग है, तो आप लोग ज़रूर लाइक यू कैन रिप्रेजेंट द स्टेट, क्योंकि स्किल नहीं छुपता है द डेब्यू विकेट्स। यस, मैंने मेरा डेब्यू मैच अगेंस्ट बिहार मैंने 6 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, एंड देन दोनों इनिंग के मिला के मेरे 9 विकेट है। एज अ बॉलर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अटैकिंग रहना है, अटैक करना है, बिकॉज डेज क्रिकेट में क्या होता है कि बैट्समैन हो या ओपोनेंट हमेशा लंबा खेलने का सोचता है, तो उन्हें अगर जैसे कि हम उसे विकेट से बाहर बॉल फेंकते हैं, तो वो पूरा दिन लगा देगा छोड़ने में, लेकिन अगर हम उसे मजबूर करते हैं कि खेलने के लिए स्टंप लाइन पे या स्टंप ऑफ स्टंप के बाहर के लाइन से अंदर घुसाने के लिए, तो उसमें बैट्समैन मजबूर हो जाता है कि उसको खेलना ही है, तो उसमें क्या हो जाता है कि या तो एज हो जाता है, या तो बोल्ड हो जाता है, या तो LB हो जाता है, लेग बिफोर विकेट हो जाता है। तो एज फार एज माई एक्सपीरियंस आई थिंक यस, ये बचना भी मतलब इकोनॉमिकल रहना है बॉलर को, लेकिन उसी के साथ अगर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, थोड़ा अटैकिंग नेचर होने से क्या होता है कि आपको विकेट मिल जाता है। ऑल्दो यस, डिसिप्लिन बॉलिंग इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं हमेशा अटैकिंग करता है, एंड मेरे वीडियोज़ में भी आप देखेंगे मेरा ज़्यादातर बॉल्स हमेशा विकेट की तरफ ही होता है, बिकॉज आई एम एन इन स्विंगर। तो मैं वही बोलूँगा कि कोई भी फॉर्मेट हो, आप थोड़ा अटैकिंग नेचर लेंगे तो
आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। हाँ, जीत के तो काफी अच्छा लग रहा है, ये हम लोग का फर्स्ट, 4 सालों से काफी मेहनत कर रहे हैं तो उसका अभी फल मिले आज, तो इसलिए बहुत क्या बोले बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। इसके पीछे अपना एशिया का बहुत बड़ा हाथ है जो हम लोग को बिलीव किया है, बिलीव करके जो यहाँ पे भेजा है, ट्रस्ट किया कि हम लोग कुछ कर पाएगा, तो फाइनली आज हम लोग अपना पहला मैच जीता है रणजी का, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत है कोच सर, दिनेश सर का बहुत खुश है। थैंक यू कैप्टन, कोच, ट्रेनर, फिजियो और मेरे दोस्तों को, प्लेयर्स मेंबर लोग, बहुत सुंदर था एंड काफ़ी खुश है। अब तो 4 ईयर्स के बाद फर्स्ट क्लास मैच जीतने को मिला है एंड फिर से बोले बहुत खुश है। थैंक यू सबको। सो गाइस, दिस इज मी तेची दोरिया एंड आज हम लोग जीता है रणजी का अपना फर्स्ट मैच अगेंस्ट बिहार एंड हम लोग 15 रन से जीता है। द फीलिंग वॉज स्काई हाई, क्या बोलेगा, सबको थैंक यू एंड जितना भी सपोर्टर है, वेल विशर है, जिसने भी हम लोगों के लिए प्रे किया है, वो सबको थैंक यू। एंड जब ये मोमेंट हम लोग जीता है तब एवरीवन वाज लाइक कि मतलब सब पूरा इधर उधर उछाल रहा था एंड एक दूसरे को हग कर रहा था एंड कोई कोई तो रो भी गया है, तो मोमेंट को अभी हम वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मोमेंट वॉज स्काई हाई एंड क्या बोले, थैंक्स टू एवरीवन, दैट्स ऑल।